दोस्तों MCG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है RPF के टेट टेस्ट चल रहे हैं, लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, शेयर जरूर करना है और भाई की बात को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। भाई ने आवाज़ उठाई है और बहुत ही आवश्यक है सभी बच्चों के लिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, ये सब कुछ आप लोगों को वीडियो में दिया गया है। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर आपका जो है RPF का टेट टेस्ट हो गया सर। आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? हाँ, करना चाहता हूँ। सर कहाँ पर था आपका, किस प्रकार से, क्या क्या सब कुछ बताइए। क्या बात की आपने? क्या सर, फिर से बात करिए, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं थी। सर किस प्रकार से क्या क्या हुआ सब कुछ एक्सप्लेन करना सर, बताइए सर। ठीक है सर, मेरा 17 तारीख को था। हाँ। दिल्ली में था। हाँ। उन्होंने बुलाया था 5:30 को। हाँ। अंदर बुलाते समय सभी को अंदर ले लिए, एक ही झटके में ले लिया सबको कैंप में। हाँ, कितने बजे? 5:30 बजे। हाँ। सभी को ले लिया था। हाँ, उनको अलग कर दिया और हमको अलग कर दिया। हाँ, उसके बाद उन्होंने 5-5 के लाइन लगा के आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया, मतलब जो भी आधार कार्ड हो या आइडेंटिटी प्रूफ कोई वोटर आईडी हो के साथ कॉल लेटर लेके आज भेज दिया 20-20 का ग्रुप लेके। बायोमेट्रिक के लिए वहाँ भी जो वो अपने नोटिस बता रहे थे क्या करना है क्या करना है। वो बाद में आपका बैच फिजिकल का बैच का बैच नंबर पूछ रहे थे। हाँ। और फिर काउंटिंग भी चल रही थी, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप अंदर जा रहे लोग सही से आ रहे हैं क्या नहीं, 20-20 का ग्रुप आ रहा है या क्या नहीं, ये काउंटिंग कर रहे थे। हाँ। बाद में आप बायोमेट्रिक से अंदर बुलाया, वहाँ से 5-5 कैंडिडेट को अंदर भेज दिया बायोमेट्रिक के लिए। हाँ। और बायोमेट्रिक होने के बाद उन्होंने बुला दिया बाहर, और वहाँ बुला के वो नाम लेने लगे। नाम लेके आगे एक बेटा दिया अंदर, मतलब वहाँ ग्राउंड ही था, ग्राउंड में बिठा दिया उन्होंने नाम लेके सभी का। तभी बैठने के बाद वो सिग्नेचर और थंब लेफ्ट थंब करने के लिए फिर से बुलाया उन्होंने। उसके बाद नौ के ग्रुप बनाए। कितने के? नौ लड़के के। हाँ, नौ लड़कों के ग्रुप बनाए। नौ बनाए। उसके बाद जो बचे थे वो पीछे बिठा दिए। बैच नंबर हमारा वही था, 5 नंबर बैच था। हाँ। पहले से कुछ लोग कैंडिडेट पहले
परदेश हमारी आगे गई थी, उन्होंने वहां से प्लेट लेनी थी, प्लेट लेके वो धोने के बोल दिए उन्होंने साफ करके। वो प्लेट साफ करने के बाद कुछ लोगों ने रुमाल लाया था, मैं भी लाया था। आपने क्या वीडियोस में देखा होगा ना पहले से? हाँ देखा था। हमारे जो अगली वाली बैच थी ना 20 में से, 20 से किसी को नहीं लिया सर। और सर वहाँ वैसा मतलब अंदर जाने वक्त ऐसा लगा था, मतलब शुरू से ही सर तो बाद में हमारा हो गया था। हाँ सर, भी वैसे ही किए थे। जब अंदर आप किसी आपका आटा गुनने जाते थे तब 20-20 का था जो ग्रुप था, वो भी अंदर जाते समय दौड़ के आने के लिए बोला था। और जब आपका डिस्क्वालीफाई होता है, मतलब डिस्क्वालीफाई की मतलब मैं वैसा नहीं बोल सकता, आपको लिया नहीं तो आपको वो मतलब कुछ तो उनको पसंद नहीं आया ऐसा बोल सकते है, क्योंकि सभी लोगों का वो आटा की भी देख रहा था, मेरा देख लिया उन्होंने खींच के वो मुलायम बना है या नहीं देखने पहले वो बोला, उसने लिया था, उसने कुछ नहीं बोला। बाद में दूसरे ऑफिसर ने आटा लिया, उसने बोला मुलायम है, फिर बाद में वो सभी का आटा देख नहीं रहे थे, सिलेक्टेड लोगों का आटा खींच के देख रहे थे। मेरे जो छोटी बैच थी उसमें से 3 लोगों का सिर्फ लेके लिया, बाकी सभी कुछ सभी का आटा देखते नहीं, वो क्या गुना है क्या नहीं, सिर्फ आंखों से देखते है, पसंद आया तो खींच के देखते है। अब आंखों से कैसे पसंद आएगा सर? आंखों से सिर्फ देखते है, सिर्फ जिनको अच्छा मतलब गुंदा हुआ अच्छा दिखता है सिर्फ वो थाली लेके देखते है। ज्यादा लोगों का देखते ही नहीं है, मतलब 20 लोग होंगे, ज्यादा से 4 या 5 थाली से ही देखते है, बाकी किसी की थाली को छूते भी नहीं होगी। हाँ सर, पर मैं बोल रहा हूँ वो सेटिंग बीचिंग जो जाए भार में, फिर जो आपका जो मतलब नोटिस में जो दी है क्या, जो स्टेप दी है वो स्टेप फॉलो करने चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए सर। क्या? हाँ बिल्कुल, जो आपने नोटिस जो जारी की है
उसी के हिसाब से चलना चाहिए सर, ये भी आपका कहना चाहिए। मेरा तो यही है कुछ, बाकी कुछ नहीं हो, जो कुछ हो जाए वो बाहर में ही जाए। मेरा क्या हो गया सर, मैं मतलब मेरे दिल पे ले लिया वो, और उसके बाद उनको एग्रीमेंट मैंने की ही नहीं, अभी लग रहा है एग्रीमेंट क्यों की नहीं सर, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो सर एक साल से हो रहा है वो, 2018 से चल रहा है। अभी सर इतना किया, फिजिकल किया, मतलब राइटिंग पास हो गया, सब हो गया, उस आठ में भी पास हो गया, बाद में सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो दिमाग सर मतलब वो हैंग हो गया ना, उनको पूछना ही भूल गया यार मेरे को क्यों, मतलब ऐसा मतलब जो स्टेप थे नोटिस में जारी कुछ भी नहीं सर, क्योंकि बाद में आने के बाद पता चला कि वो 35 का मतलब हमारा जो था 40 मार्क था ना सीटी, 40 मार्क से 35 लेना लेके आना चाहिए था मार्क, उन्होंने मार्क ही नहीं दिए था लेने, वो बोले आपका नहीं हुआ चलो जाओ, तो आपको ये मेरे समझ में नहीं आया है सर। सर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, हमारा 60 मार्क का रिटर्न था, 60 मार्क से हमारे जो गिरे जो मार्क कितने जो हो भी वो मालूम नहीं, क्या मैंने देखा है पर मैं बताना नहीं चाहता। क्या सर, क्या मेरा 35 है क्या, 60 में से 35 मेरे को मिल गए है मालूम है सर। सर फिर बाद में 40 मार्क का टीटी था, 40 मार्क से आपका मार्क ही दिए नहीं आपने, सीधा हुआ या नहीं चले जाओ, किस बात पर एक ऐसे, हाँ मतलब किसी भी कैंडिडेट से पूछो सर, आपका 100 के ऊपर वीडियो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, आपने किसी भी कैंडिडेट ने ऐसा बोला है सर 40 मार्क से मुझे इतना मार्क मिले है टीटी में, नहीं ये तो नहीं बोला, इतनी बात की है सर, ये तो करना चाहिए ना पक्का। हाँ सर, सर इस पे स्टे तो लाना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग तो चला गया है बार में, क्योंकि आपने मार्क आपको क्या हुआ, मैं क्वालिफाई नहीं, कटअप नहीं निकला तो चलेगा ना, तो ये डायरेक्टली इन्होंने बाहर कर दिया साल ने, आपके कम मार्क आ गए इसलिए चले जाओ, ऐसा तो बोलना चाहिए, कुछ नहीं बताया यार, पहले भी किया हो मार्क हमको मालूम है, हमने वो दिया था वो क्या 70 या 22 डे के लिए दिया था वो प्रियो, हमारा मतलब जो आंसर की दी थी वो चाहिए, उनके बाद उन्होंने मेरिट लिस्ट लगवाई नहीं ना, मेरिट लिस्ट लगवाई नहीं उन्होंने, तो पहले तो क्लियरिटी रख रहे थे पहले, तो क्या कैंडिडेट के नाम सिर्फ लगवा दिए क्या, ठीक है उसमें हम पास हो गए थे इसलिए हमने कुछ नहीं लिया क्या, तो 35% लाना चाहिए था, इसी हिसाब से हम क्वालिफाई थे इसलिए हमने कुछ बोला नहीं, बाद में सिर्फ टीटी में सिर्फ कुछ तो देना चाहिए ना सर, हाँ हमको वो हमसे गलती हो गई यार, हम वो कर नहीं पाए, हमको मार्क्स तो मिलना चाहिए, स्कोर तो पता होना चाहिए हमारा क्या हुआ है नहीं, ये भी सही है सर, ये तो मतलब वो स्टेप तो चाहिए ना, वो नोटिस में आपने नोटिस जाहिर क्यों की, चकमार के वो जाहिर क्यों गए नोटिस, ऐसा स्टेप क्यों बताया, 40 मार्क्स तो मार्क्स तो चाहिए ना सर, 40 में से हमको कितने मिले हमको पता ही नहीं चला सर, ये भी आपको कहना सही है। अभी सर मैं वो मतलब उनको मतलब वो करना चाहता हूँ वेबसाइट पे, वो वेबसाइट पे कोई ऐसा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आपका मतलब रजिस्टर नंबर डालो और कुछ तो बोलो, ऐसा कुछ है उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे आप, कोई ऐसा नहीं है सर, तकरार करना चाहते हो तो आप उसका सर आरपीएफ का जीमेल तो है। आप फॉलो लेना चाहिए सर, क्योंकि बहुत कैंडिडेट का नुकसान हो गया सर, मतलब वो मर्जी से भी लिए उन्होंने, ऐसा नहीं है हाँ मतलब जो क्या उनका क्या किया है मालूम नहीं है, पर सर बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो उनकी मतलब बहुत ही उम्मीद थी ये थी, और वो कुछ तो थोड़ी थोड़ी गलती से निकल गए सर, सर ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर एक लड़का ने एक पूरा एक साल इसने इन्वेस्ट किया है, उसका कुछ वैल्यू तो निकलना चाहिए सर। अब ये तो आपका कहना सही है, लेकिन जगह कितनी है 792 सर, जगह जाए ना फिर वो मार्क्स तो चाहिए ना, वो गलत है क्या नहीं है, जो मार्क्स आपने प्रोवाइड ही नहीं किए वो गलत है क्या नहीं है सर, कुछ बताया भी नहीं, हाँ हमारे हमसे गलती होगी क्योंकि हम वहाँ कुछ बोल ना पाए, मतलब
एक धक्का सा वो फिर गया यार, मैं क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो गया। हाँ। सर मेरे को अभी नहीं लगता है यार तो चाहिए। हाँ। और दिल्ली, दिल्ली तो नजदीक तो नहीं है, दूर है। हाँ। अभी क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, साउथ महाराष्ट्र। हाँ। ओके सर, आप बंदों से क्या कहना चाहते हो, बंदों से कहना चाहते हो, बच्चों से आवाज उठा सकते हो या देख लो सर, क्योंकि किसी भी लड़की को देख लो सर, क्योंकि उनको जो प्रोवाइड किए क्या आपको मार्क प्रोवाइड किए 40 में से कितना तो मार्क प्रोवाइड किए तो पूछ लीजिए, ऐसा कोई आपको मार्क प्रोवाइड नहीं किए उन्होंने। हाँ ये तो है, ऐसे किसी भी लड़की को नहीं दिया है, पूछ लो जो मेरे सभी सभी फ्रेंड से क्या मेरे मेरे 13 फ्रेंड्स है, 13 फ्रेंड्स डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और सर मैंने सबको पूछ लिया सर, मतलब उनको मार्क्स दिए क्या नहीं, 40 में से कितना मिला कुछ नहीं, वो बोले आपका हुआ नहीं चले जाओ, ऐसा ही किया है सबके साथ। आप बंदों से कुछ कहना चाहते हो, बच्चों से जो आगे जाने वाले हैं? बंदों से कहना चाहूंगा ना सर, आपकी जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल है, मतलब आप लास्ट स्टेप में जाने के लिए बहुत, आपने जो बताया वही चल रहा है, अलग से कोई चीज करने की नहीं है, अलग से चीज करने जाओगे तो आप अपना नुकसान कर ले लोगे सर, आपने जो बताया आपने बहुत ही बुलाया, पहले ही आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत लोगों का मतलब गाइडेंस बहुत अच्छा किया आपने, और जो आपने मतलब जिस दिन लोगों का नंबर लेके आपने जो वीडियो प्रोवाइड किए वो बहुत हेल्पफुल है, आपने बहुत अच्छा एक काम किया है, मतलब उससे बहुत लोगों का क्वालिफाई हो गया भी होगा। हाँ। पर सर मेरे को सिर्फ आवाज उठानी थी इसलिए आपसे कॉन्टेक्ट कर पाया, और मैंने आपको मतलब मैं थोड़ा सा सोच में था इसलिए मैंने थोड़ी देर कर दिया आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। सर ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और सर इसके लिए मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ग्रुप तैयार किया है ना आरपीएफ नाम से, डिस्क्रिप्शन को आप चेक करना, आरपीएफ नाम से स्पेशल यूट्यूब चैनल होगा, उस पर क्या है सिर्फ आरपीएफ के ही बच्चे हैं, तो सर आप मतलब सर उन्होंने क्या किया है मालूम नहीं, तो मेरे मेरे को ये गलती लग रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं सर, मेरी बात सुनो जो सर, हेलो मेरे को कुछ मालूम नहीं सर, मेरी बात सुनो, गलती तो है किसी से भी पूछ लो यही किया है सर, मेरी बात सुनिए, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक तैयारी कर रखी है, क्योंकि जितने बच्चे फेल होते जा रहे हैं उनको आवाज़ उठाने की यदि ज़रूरत है तो ऑलरेडी मैंने नीचे जो आरपीएफ नाम से यूट्यूब चैनल तैयार कर लिया है, क्योंकि क्या है कि यदि अपन व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करते हैं 257 लोग ही जुड़ पाते हैं उसमें, बस समझ रहे हो, तो इससे क्या जितने भी बच्चे हैं, मुझे पहले भी सपोर्ट नहीं मिला, पहले भी मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, लेकिन वो पहले भी रुक गए, 200-250 बच्चे जुड़ पाए हैं, अब यदि अभी भी बच्चे बढ़ते हैं कम से कम 1000-1500 बच्चे तो होना चाहिए, तब तो अपन कुछ कर सकते हैं। जितने ही बच्चे सुन रहे हैं वीडियो को तो उनसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक किया करें, उसमें जो है लिंक्स दी रहती हैं, पहले नंबर पर जो लिंक दी गई आरपीएफ ट्रेड टेस्ट जो चैनल दिया गया यूट्यूब को, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स, और साथ ही साथ यदि इस प्रकार का कोई भी काम करना है बंदों को, इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल जो है कम्युनिटी पोस्ट रहती है वहाँ पर, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा जब भी कुछ करना होगा तो एक 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 ऐसी जगह तो होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जुड़ सकें। हाँ, और सर मैं बोलना चाहता हूँ जो आटे गुन्ने में जो क्वालिफाई हो गया था वो मैं, हाँ। उसके तो कुछ मार्क मिलना चाहिए थे मेरे को, ये भी फर्स्ट राउंड में जो क्वालिफाई हो गया ना उसके तो कुछ मार्क मिलने चाहिए, हाँ। यार मैं इसके बाद में हो भी या ना रहूँ क्या, मेरा हो या ना मेरे किसी फ्रेंड का हो जाए वो भी तो अच्छा है, मेरा हो रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका मार्क तो प्रोवाइड होना चाहिए सर। हाँ ये भी आपको करना चाहिए सर, इसके लिए अपन ने जो तैयारी करी है, मेरा हो या मेरा नहीं भी हो जाए जो चलेगा, फिर किसी एक कैंडिडेट का भी होगा, हाँ। तो सर दिल को सुकून पहुंच जाएगी। हाँ सर, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे क्योंकि वो स्टेप है, उनका नोटिस का स्टेप है, वो नोटिस में जो जारी किए स्टेप से चलना चाहिए सर, क्योंकि रूल्स रूल्स होते है, वो तोड़ने की किसी की ये नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, तो आपको है ना उनको है, बिल्कुल ना हमने तोड़ा है उनका रूल, हमने कोई तोड़ा होता उनको तो सभी स्नेस ने तोड़ा है रूल, उनको डिस्क्वालीफाई किया है, तो सर आप क्यों तोड़ रहे हो, आप तो गवर्नमेंट हो,
हाँ सर, सर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सर। जी सर आप जो है अपना एक फ़ोटो भेज सकते हो जस्ट नाउ, अभी के अभी। अभी हाँ जस्ट अभी सर, इसी नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है सर। ठीक है, भेज सकता हूँ। और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, यदि आप लोग भी इस प्रकार की कोई शिकायत है तो नीचे जो YouTube का जो चैनल दिया गया है RPF टेस्ट स्पेशल नाम से, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार की बच्चों के लिए इकट्ठा किया गया है, वहाँ पर इसी प्रकार की अपडेट्स बच्चों को उसी चैनल पर दी जाती हैं। ओके सर। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी बात नहीं, जो वीडियो आप प्रोवाइड करेंगे किसी बच्चे, ये बात पूछ लेना कि आपको कितना मार्क प्रोवाइड किया है। ओके सर, हर वीडियो में पूछूंगा आगे से, पूछ लीजिए। ओके सर, और जितने भी बच्चे इस प्रकार के यदि परेशान है तो बोलो जरूर उस चैनल से जरूर जुड़ जाए। बाकी कुछ उन्होंने एक मतलब ये नहीं किया, सिर्फ मुझे सिर्फ अभी ध्यान में आया कि उन्होंने मार्क क्यों नहीं, मुझे मार्क कितने मिले, इसी में परेशान हो, बाकी कुछ नहीं उनका, बाकी कुछ मतलब वो गलत तो नहीं लगा। हाँ यही रिक्वेस्ट है आप फॉलो कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, आपसे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है कीमती समय निकाला बच्चों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। थैंक यू। और सर अपना जो है फोटो जरूर भेज दीजिए जस्ट अभी के अभी। थैंक यू सर।